कंप्यूटर सीरीज की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तकनीकी मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने आपको सुबह वीडियो में कहा था कि रीपर की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल सॉरी गले में कुछ खराश आ गया था। तो रीपर की सीरीज जो बाकी रह गई थी उसे हम विधिवत रूप से पूरा करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें समझने लायक है, वो हम समझेंगे। हम एक नया प्रोजेक्ट, नया गाना, अपना खुद का टोन ट्यून कंपोज करेंगे और उसके साथ ही गाना बनाएंगे। तो आप लोग जरूर उसमें शामिल होइएगा और आनंद लीजिएगा वीडियोस का। तो अभी वर्तमान में जैसे कि कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, तो हमने विंडो 11 पर टास्क बार देखा, यानी कि अपना क्या बोलते हैं इसको, वो इसको मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं विंडोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, कई शॉर्टकट कीज़ भी आपको मैंने बताई, तो आप वो देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टास्क बार के विषय में संतोष जी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, थोड़ा बहुत अलग है तो उसके विषय में बात कर लेंगे अपन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बना कर दूंगा। स्टार्ट मेन्यू हमने देख लिया, विंडोज़ 11 का स्टार्ट मेन्यू किस तरह का है, क्या उसका सिस्टम है। विंडोज़ 10 का स्टार्ट मेन्यू आप संतोष जी के वीडियो में देख सकते हैं। संतोष जी ने इस पर बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो बनाया, मुझसे भी बेहतरीन, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आज हम शुरुआत करते हैं विंडोज़ 11 की सेटिंग की। सबसे पहले विंडोज़ 11 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है विंडोज़ 10 से, कुछ सुविधाएं उसमें ज़्यादा हमें फराहम कर दी जाती है। आप सेटिंग को दो तरीके से खोज सकते हैं, या तो स्टार्ट मेन्यू में जाके सेटिंग खोजें, या फिर विंडोज़ आई प्रेस करके आप सेटिंग को खोल सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाकर भी आप खोल सकते हैं सेटिंग को, लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है, वो लंबा प्रोसेस है। हम शॉर्टकट प्रोसेस की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट की। मैंने सेटिंग खोल दिया, कंट्रोल प्लस सर्च बॉक्स विंडो प्लस आई दबाया। ब्लैंक सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है फाइंड सेटिंग। आप यहाँ से कोई भी सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। एक बार टैप प्रेस करेगी लेवल 1 सिस्टम 1 ऑफ 11 अर्थात अंग्रेजी में 1 ऑफ 11। तो यहाँ पर हम स्वाइप करेंगे लेफ्ट अप टू डाउन, अप डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले है सर्च बॉक्स सिस्टम, सिस्टम है 11, ब्लूटूथ डिवाइसेस नेटवर्क इंटरनेट पर्सनलाइजेशन नॉट सिलेक्ट, एप्स अकाउंट्स नॉट सिलेक्ट, टाइम लैंग्वेज नॉट सिलेक्ट, गेमिंग नॉट सिलेक्ट, एक्सेसिबिलिटी नॉट सिलेक्ट, प्राइवेसी सिक्योरिटी नॉट, विंडोज अपडेट नॉट सिलेक्ट। ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम पे क्लिक किया मैंने एक बार फिर से, सिस्टम डेस्क 1 ड्राइव विंडोज लिस्ट डिस्प्ले साउंड डिस्प्ले। सबसे पहले हमारा डिस्प्ले है, एंटर करते हैं, देखते हैं ब्राइटनेस कलर ग्रुपिंग, ब्राइटनेस ग्रुपिंग, ब्राइटनेस स्लाइडर 49, एडजस्ट द ब्राइटनेस, आप बढ़ा सकते हैं 70 अब यहां से 100 कर लेते हैं इसको 90 मुझे फुल चाहिए डिस्प्ले, ये 100 कर लिया। इसके बाद नाइट लाइट ग्रुपिंग, यूज वार्म कलर्स टू हेल्प लॉक ब्लू लाइट, नाइट लाइट टॉगल बटन नॉट प्रेस्ड। आप नाइट लाइट भी यूज कर सकते हो, उसको दबाओगे ना तो ये स्पेस प्रेस्ड, देखिए कलर चेंज हो गया कंप्यूटर का, स्पेस वापस दबा दोगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। मोर बटन, यहाँ पर मोर बटन मिलता है, एचडीआर ग्रुपिंग, मोर अबाउट एचडीआर, अगर आपका लैपटॉप एचडीआर सपोर्ट करता है तो एचडीआर है इसमें। मोर बटन, मोर बटन, स्केल लेआउट ग्रुपिंग, स्केल ग्रुपिंग चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स, यहाँ पर आइटम्स, स्केल कॉम्बो बॉक्स 125, रेकमेंडेड कोलैप्स चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स। स्केल इसका आप परिवर्तित कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसा दिखाई दे, अभी 125 पे इस तरह का दिखाई दे रहा है, 150 पे 200 पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से, आपको सुविधा रहनी चाहिए कि आपको साफ दिखता है क्या। 125 में भी ठीक ठाक दिखता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से आप चला सकते हो। मोर बटन, यहाँ पर भी मोर बटन दिया गया है इसका, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कॉम्बो बॉक्स 1920x1080, रेकमेंडेड कोलैप्स टू एडजस्ट 1920 यानी कि 1920 और 1920x1080, तो कैसा हो गया 1920, आप मैंने आपको एक बार समझाया था इसका रेशियो, आपको समझाता होगा 1920 लेफ्ट टू राइट, और 1080 अप टू डाउन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना, इस तरह से इसको समझा जाता है चीज को। तो इस तरह से इसका डिस्प्ले दिखाते हैं, उसके बाद में डिस्प्ले ओरिएंटेशन कॉम्बो बॉक्स लैंडस्केप कलर्स, टेशन अपना लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट भी आप कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट तो कोई नहीं करता, पोर्ट्रेट वो उनके काम आता है जब वो
आपके पास टच पीसी हो या टैबलेट हो, विंडोज टैबलेट, तब ये काम आता है. मल्टीपल डिस्प्लेज ग्रुपिंग शो ऑल सेटिंग्स बटन कोलैप्स्ड. यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्ले भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड हो गया है ये. देखते हैं. रिमेम्बर विंडो लोकेशंस बेस्ड ऑन मॉनिटर कनेक्शन चेक बॉक्स चेक्ड. विंडोज लोकेशन मॉनिटर आपका जो है मॉनिटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट होगा. जैसे यहाँ पर भी इसमें खुद का मॉनिटर, जैसे खुद का एलईडी लगा हुआ है, तो इस तरह से बता रहा है. बाकी अगर आप बड़े एलईडी में इसको यूज करते हैं वाया एचडीएमआई केबल, तो फिर आप इसको और इसका और, मतलब कि व्यास बढ़ जाएगा थोड़ा ज्यादा. मिनिमाइज विंडोज व्हेन द मॉनिटर इज डिस्कनेक्टेड चेक बॉक्स चेक्ड. विंडोज मिनिमाइज हो जाए जब मॉनिटर से हम डिस्कनेक्ट करें तो. डिटेक्ट अदर डिस्प्ले ग्रुपिंग डिटेक्ट बटन. डिटेक्ट अदर डिस्प्ले, अगर आपने कोई वायरलेस ब्लूटूथ डिस्प्ले लगा रखा है तो आप इससे यहाँ से डिटेक्ट करवा सकते हैं. कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले ग्रुपिंग कनेक्ट बटन. कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले, अगर वायरलेस डिस्प्ले से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे. रिलेटेड सेटिंग्स ग्रुपिंग, एडवांस्ड डिस्प्ले ग्रुपिंग, डिस्प्ले इनफॉरमेशन, रिफ्रेश रेट, मोर बटन, रिफ्रेश रेट इत्यादि यहाँ पर मिलता है. अगर आप चाहें तो इस पे क्लिक करके सुन सकते हैं, लेकिन अपन को इतनी ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती नहीं है वैसे. ग्राफिक्स ग्रुपिंग, मोर बटन. ये ग्राफिक्स है, इसके अंदर जो एनवीडिया ग्राफिक है वो उसके विषय में बता रहा है. गेट हेल्प ग्रुपिंग, गिव फीडबैक बटन. संदीप को सर्च बॉक्स सिस्टम 1 of 11 सिस्टम बटन 1 of ब्राइटनेस कलर ग्रुपिंग brightness grouping night light grouping use warmer cut bright system button 1 display button 2 ठीक है. हमने डिस्प्ले देखा, अब इसके बाद हम हमारे सिस्टम सिस्टम बटन 1 सिस्टम डेस्कटॉप 1 ड्राइव मैनेज बटन विन लिस्ट बैक बटन लिस्ट साउंड 2 of 15. अब हमारे मेन चीज पर आते हैं, साउंड पे. साउंड की हमें बड़ी समस्या रहती है कि साउंड कैसे हम सेट करें कंप्यूटर का. हमारा जो साउंड का सिस्टम है वो ज़्यादा बहुत हमें परेशानी साउंड में ही होती है. ज़्यादातर साउंड की सेटिंग हमारी सही होती नहीं है. कई बार हम दूसरे जैसे डॉ यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन कर रहे हैं, तो फिर साउंड की हमारे को बड़ी समस्या होती है. तो चलिए अब देखते हैं इसको, एंटर मार देते हैं साउंड पे. साउंड आउट लिस्ट स्पीकर्स ग्रुपिंग 1 of 2 स्पीकर्स बटन 1 of 2 यहाँ स्पीकर ग्रुपिंग 1 और 2 बोल रहा है. आप इसको अपने हिसाब से स्पीकर्स रेडियो बटन चेक. यहाँ स्पीकर्स रेडियो बटन चेक्ड है. पेयर न्यू आउटपुट डिवाइस, पेयर ए न्यू आउटपुट डिवाइस. आप यहाँ से कोई नया आउटपुट डिवाइस ऐड कर सकते हैं, अर्थात ब्लूटूथ से या किसी से भी. इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे स्पेस ऐड अ डिवाइस विंडो विंडोज शैल एक्सपीरियंस होस्ट वायरलेस डिस्प्ले और डॉक बटन ब्लूटूथ बटन और वायरलेस डिस्प्ले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. While every cancel button. Cancel करते हैं क्योंकि अभी हम कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे. Settings, volume grouping, mute volume button. ये volume है, mute volume button. यहाँ पर अगर press करते हो तो mute हो जाएगा ये. Adjust the output volume slider. 100. Adjust the output volume slider. Output का volume slider यहाँ से change कर सकते हैं. Mono audio toggle button not pressed. Combined left. Mono audio button not pressed. अर्थात अगर आप चाहें तो mono audio कर सकते हैं यहाँ पर. स्टीरियो साउंड आता है वैसे लेफ्ट और राइट चैनल, लेकिन आप चाहें, आपको चाहते हैं कि भाई सेंटर में आवाज आए, सब एक ही स्पीकर आपके पास है, तो भाई आप मोनो कर सकते हैं. इनपुट ग्रुपिंग चूज अ डिवाइस फॉर स्पीकिंग और रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन सिलेक्टेड एप्स माइट हैव देयर ओन सेटिंग्स ग्रुपिंग शो ऑल सेटिंग्स बटन एक्सपेंडेड. ठीक है ना, तो आप यहाँ पर माइक्रोफोन इत्यादि सेट कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग जितने भी माइक्रोफोन आपके पास होंगे वो सेट कर सकते हैं. वो अपन आगे देखेंगे अगले आगे, उसमें यहाँ से छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको. लिस्ट माइक्रोफोन ग्रुपिंग 1 of 2 माइक्रोफोन बटन 1 यहाँ पर माइक्रोफोन बटन है. माइक्रोफोन रेडियो बटन चेक्ड. माइक्रोफोन रेडियो बटन चेक्ड. माइक्रोफोन हमने चेक्ड कर रखा है. अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो दूसरा भी जो भी आपको करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं. फिर न्यू इनपुट डिवाइस ग्रुपिंग एड डिवाइस बटन. यहाँ से आप ब्लूटूथ से माइक भी पेयर कर सकते हैं. वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं वो यहाँ से पेयर किए जाएंगे. वॉल्यूम ग्रुपिंग म्यूट माइक्रोफोन. ये माइक्रोफोन का वॉल्यूम है, यहाँ से म्यूट किया जा सकता है माइक्रोफोन को. एडजस्ट द इनपुट वॉल्यूम स्लाइडर 60. आप यहाँ से माइक्रोफोन का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं 60-70 जितना भी हो. एडवांस्ड ग्रुपिंग ट्रबलशूट कॉमन साउंड प्रॉब्लम्स ग्रुपिंग लिस्ट आउटपुट डिवाइसेस नॉट सिलेक्टेड. अगर आप के कोई भी साउंड डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहां से ट्रबल शूट कर पाएंगे. इनपुट हो आउटपुट हो कुछ भी हो. आउटपुट डिवाइसेस लिंक. यहां से आउटपुट डिवाइस का लिंक आपको मिलता है और डिवाइसेस आपको दिखाई देंगे. साउंड डिवाइसेस ग्रुपिंग टर्न डिवाइसेस ऑन ऑफ ट्रबल शूट अदर ऑप्शंस टर्न डिवाइस ऑन ऑफ ट्रबल शूट न्यू बटन. यहां से नया
डिवाइस खोज सकते हैं. वॉल्यूम मिक्सर ग्रुपिंग ऐप, वॉल्यूम मिक्स ऐप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये भी बहुत ही अच्छा काम का है. वॉल्यूम इनपुट मिक्सर का इस्तेमाल करके आप अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग ध्वनि सेट कर सकते हैं. जैसे मुझे जॉज के लिए कम आवाज़ चाहिए, एनवीडी के लिए ज़्यादा चाहिए, म्यूजिक मेरे को कम चाहिए, जॉज की आवाज़ ज़्यादा चाहिए, एनवीडी, तो अलग अलग ऐप की आवाज़ को कम या ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है. मोर साउंड सेटिंग्स ग्रुपिंग ओपन बटन. ये काम की सेटिंग है. यहाँ से आपको जो ऊपर मैंने सेटिंग बताई वो सारी आराम से एक्सेसिबल तरीके से आप यहाँ से खोल पाएंगे. वो ज्यादा आपको बेटर रहेगा. स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ पर सीधा. स्पेस सेटिंग्स, सेटिंग्स विंडो, एडवांस्ड ग्रुपिंग, मोर साउंड सेटिंग्स ग्रुपिंग ओपन बटन, साउंड डायलॉग, प्लेबैक प्रॉपर्टी पेज, सेलेक्ट प्लेबैक डिवाइस बिलो टू मॉडिफाइड सेटिंग्स लिस्ट. यहाँ पर आप प्लेबैक डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी स्पीकर्स रिऑल्टिका हेडफोन्स हिटून बेस डिस्कनेक्टेड हेडफोन हाइटून बेस, इसके बाद स्पीकर्स रियल टेक जो हमारा फोन इस लैपटॉप के अंदर हेडफोन्स रिऑल्टिका हेडफोन रियल टेक स्पीकर्स यूएसबी ऑडियो कोडेक डिफॉल्ट डिवाइस. हमारा जो डिफॉल्ट डिवाइस है इसका अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ये यूएसबी साउंड कार्ड बेरेंजर का, तो ये इससे कनेक्ट है ये यूएसबी का. तो इसके बाद बस इतने ही ऑप्शन है. अब हम एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी. कॉन्फ़िगर बटन ऑल सी, यहाँ से आप इसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे. प्रॉपर्टीज बटन, प्रॉपर्टी पे एंटर कर देंगे. प्रॉपर्टीज डायलॉग, एडिट सिलेक्टेड स्पीकर्स, चेंज आइकन बटन ऑल, यहाँ से आइकन चेंज करेंगे. कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन ग्रुप, यूएसबी ऑडियो कोडेक, इंटेलर कॉर्पोरेशन, डिवाइस यूसेज, कॉम्प्लिकेट बटन, ओके, कैंसिल बटन, टैब कंट्रोल, जनरल टैब सिलेक्ट, जनरल आ गया. अब लेवल्स टैब सिलेक्ट, ये लेवल है. यहाँ से आप देखिए डायलॉग 100 स्पीकर्स ग्रुपिंग, स्पीकर स्लाइडर, ये स्पीकर का स्लाइडर है. आप इसकी आवाज कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर वहाँ से आपको थोड़ा एक्सेसिबल नहीं लगे तो. म्यूट चेक बॉक्स नॉट चेक, यहाँ से आप इसे म्यूट कर सकते हैं स्पीकर को. इसको जैसे ही दबाऊंगा ये म्यूट हो जाएगा. बैलेंस बटन ऑल्ट बी, ये बैलेंस ऑल्ट बी, ये बैलेंस बटन है. यहाँ पर आप लेफ्ट राइट स्लाइडर कर सकते हैं. आप राइट करेंगे तो राइट स्पीकर में साउंड जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ जाएगा, सेंटर में सेंटर हो जाएगा. ओके बटन, ओके, कैंसिल बटन, टैब कंट्रोल, लेवल एडवांस्ड टैब सिलेक्टेड. यहाँ पर एडवांस टैब है, इसमें देख लेते हैं. यहाँ पर तो कुछ काम की चीजें आपको मिल जाएंगी. डिफॉल्ट फॉर्मेट ग्रुपिंग, सिलेक्ट द सैंपल रेट एंड बिट डेप्थ टू बी यूज्ड व्हेन रनिंग इन शेयर्ड मोड कॉम्बो बॉक्स. 16 बिट 48,000 हर्ट्ज कोलैप्स्ड, 16 बिट 48,000 44,000 जो भी आपको करना चाहे. वैसे 48,000 देखनी चाहिए, 48,000 की क्वालिटी अच्छी बहुत शानदार होती है. ये रिकॉर्डिंग आप उसी से सुन रहे हैं. टेस्ट बटन ऑल टी, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं स्पीकर को. जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको टेस्ट सुनाई देगा. स्पेस, ये देखिए प्रेस्ट स्टॉप, स्टॉप आपको सुनाई दिया. हो सकता है इस पावर सॉफ्ट में स्टीरियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगा बाद में. एक्सक्लूसिव मोड ग्रुपिंग, अलाउ एप्लीकेशंस टू टेक एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ दिस डिवाइस, चेक बॉक्स चेक्ड. आप एप्लीकेशन को एक्सक्लूसिव मोड चेक बॉक्स चेक भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते. अगर आपको लगता है कि अलग अलग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं तो आप अपने उस हिसाब से रखें कि कोई भी ऐप अपने एक्सक्लूसिव मोड पे इसको यूज कर सके तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. गिव एक्सक्लूसिव मोड एप्लीकेशंस प्रायोरिटी, चेक बॉक्स चेक्ड. यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव मोड एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दें, चेक बॉक्स चेक्ड है, इसे नॉट चेक्ड कर सकते हैं. लेकिन एक बार इसे डिफॉल्ट ही रहने दीजिए. अगर आपको लगे कि आपकी जो ऐप है वो दिक्कत कर रही है इसमें, या सही साउंड आउटपुट नहीं आ रहा है, लेटेंसी आ रही है, तो आप यहाँ से इसको नॉट चेक कर सकते हैं. हार्डवेयर एक्सेलरेशन ग्रुपिंग, अलाउ हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑफ ऑडियो विद दिस डिवाइस, चेक बॉक्स चेक्ड. ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन है, मतलब आपके कंप्यूटर का या साउंड का जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन करे ये, मतलब उस हिसाब से साउंड को थोड़ा और एनहेंस करे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप चालू ही रहने दे. पहले नहीं था ऑप्शन, ये विंडोज 11 में आया है. सिग्नल एनहांसमेंट्स ग्रुपिंग, इनेबल ऑडियो एनहांसमेंट्स, चेक बॉक्स चेक्ड. ये सिग्नल एनहांसमेंट है, सिग्नल एनहांस कर देता है. आप इसको चालू रखें नहीं चालू रखें, स्पेस नॉट चेक, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. मैं तो इसको नहीं रखता हूँ, वैसे चालू ही रहता है, मैं इसमें ज़्यादा समझ परेशानी नहीं लेता. स्पेस आपकी सुविधा, आप करके देखें, आपको कुछ फर्क लगता है तो बिल्कुल चालू या बंद करें. ओके बटन, ओके, कैंसिल, टैब कंट्रोल, एडवांस्ड स्पेशल साउंड टैब सिलेक्टेड. यहाँ पर एक स्पेशल साउंड है, इसके अंदर आपको स्पेशल साउंड फॉर्मेट ग्रुपिंग, सिलेक्ट द स्पेशल साउंड फॉर्मेट दैट यू वांट टू अप्लाई कॉम्बो बॉक्स ऑफ कोलैप्स्ड. ऑफ है और एक सोनिक है और फिर आप विंडोज 11, विंडोज सोनिक फॉर हेडफोन्स, विंडोज सोनिक फॉर हेडफोन्स भी है. लेकिन वो ऐसा होता है कि आपका जो हेडफोन अगर अच्छा है, सोनिक सपोर्ट करता है तभी काम का, नहीं तो इसको यूज ना करें.
आपका साउंड चला जाएगा. एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, लेकिन फिर मैंने इसको छेड़ा नहीं. रिस्टोर डिफॉल्ट्स बटन ऑल टी. आप रिस्टोर डिफॉल्ट कर सकते हैं. ओके बटन. कैंसिल टैब. बस इतने ही टैब यहाँ पर होते हैं. तो ये हमने देखा, इसको हम एक बार बैक कर देते हैं. साउंड डायलॉग प्लेबैक प्रॉपर्टी पेज प्रॉपर्टीज बटन ऑल टी. ये प्लेबैक प्रॉपर्टी थी हमारी. अब ओके बट कैंसिल टैब कंट्रोल रिकॉर्डिंग टैब सिलेक्टेड. अब दूसरा टैब हमें मिलता है रिकॉर्डिंग टैब, यानी कि इनपुट टैब. तो हम यहाँ पर टैब दबाते हैं. रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पेज सिलेक्ट रिकॉर्डिंग डिवाइस. ओके बटन कैंसिल टैब रिकॉर्डिंग प्रॉप माइक. सबसे पहले माइक्रोफोन अरे इंटेल स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल माइक्रोफोन्स रेडी. एक ऑफ चार. ये डिजिटल माइक्रोफोन है इंटेल की तरफ से. जैक मिक रिऑल्टिका ऑडियो नॉट प्लग. जैक मिक, जैक माइक मतलब जो अपना 345 जैक लैपटॉप के अंदर दिया होता है वो है, उससे तात्पर्य है यहाँ पर. स्टीरियो मिक्स रिऑल्टिका ऑडियो डिसेबल. ये स्टीरियो मिक्स है, ये डिसेबल कर डिसेबल ही है ये. इसको आप कैसा यूज करेंगे, जब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अंदर, जैसे लैपटॉप के अंदर कोई लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग मतलब कि कोई स्टीरियो साउंड चल रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें जॉज इत्यादि की भी आवाजें आ जाती हैं. माइक्रोफोन यूएसबी ऑडियो कोडेक डिफॉल्ट डिवाइस. चार. अभी हमारे पास माइक्रोफोन यूएसबी कोडेक ऑडियो है, तो हमने इसी को इस्तेमाल कर रखा है. आप इसको इस्तेमाल कॉन्फिगर प्रॉपर्टीज बटन ऑल प्रॉपर्टी है. माइक्रोफोन प्रॉपर्टीज डायलॉग एडिट सिलेक्टेड माइक्रोफोन. ये माइक्रोफोन है, इसके बाद इस टैब में तो कुछ नहीं होता. ब्लैंक माइक्रोफोन अनसिलेक्टेड. चेंज आइकॉन कंट्रोल इंटर डिवाइस. ओके बटन कैंसिल टैब कंट्रोल लिसन टैब सिलेक्टेड. ये लिसन टैब है. प्रॉपर्टी पेज यू कैन लिसन टू अ पॉड. आप इससे अपनी बढ़ती ध्वनि सुन सकते हैं बार बार, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ. तो मैं इस पर चेक कर दूंगा और यहाँ पर नीचे जाकर थोड़ा प्लेबैक थ्रू दिस डिवाइस कॉम्बो बॉक्स डिफॉल्ट प्लेबैक. प्लेबैक डिवाइस डिफॉल्ट डिवाइस भी आप कर सकते हैं, या फिर स्पीकर रियल टैक स्पीकर्स यूएसबी स्पीकर यूएसबी आप इनमें से किसी पर भी कर सकते हैं. डिफॉल्ट है इसमें. पावर मैनेजमेंट ग्रुपिंग कंटिन्यू रनिंग व्हेन ऑन बैटरी पावर रेडियो बटन चेक. कंटिन्यू रनिंग, अगर आप कुछ गाना वाना इससे सुन रहे हैं किसी दूसरे मीडिया प्लेयर, जैसे अपना मोबाइल है, आप मोबाइल से कुछ गाना बजा कर इसमें सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं आप. तो इसको बस ऑन करना पड़ेगा. लाइन इन वाला मामला है सारा, लाइन इन जिसको AUX मोड कहते हैं. ओके बटन. ओके कैंसिल बटन. टैब कंट्रोल. टैब कंट्रोल. लेवल्स टैब सिलेक्टेड. लेवल है, ये माइक का लेवल है. डायलॉग 60. माइक्रोफोन ग्रुपिंग, ये माइक्रोफोन का लेवल 60 है यहाँ पर. म्यूट चेक बॉक्स नॉट चेक. आप यहाँ से करेंगे तो माइक्रोफोन म्यूट हो जाएंगे. ओके बटन. ओके कैंसिल बटन. टैब कंट्रोल. एडवांस्ड टैब सिलेक्ट है, ये आपके लिए थोड़ा सा काम का. डिफॉल्ट फॉर्मेट ग्रुपिंग सिलेक्ट द सैंपल रेट एंड बिट डेप्थ टू बी यूज्ड व्हेन रनिंग इन शेयर्ड मोड कॉम्बो बॉक्स. दो चैनल 16 बिट 44,100 सीडी क्वालिटी. तो दो चैनल 44,100 स्टीरियो क्वालिटी ड्यूअल चैनल. इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. दो चैनल 16 बिट 48,000 मिलता है. बस अभी तो इतना ही दिखा रहा है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है. दो चैनल 16 बिट 44,100 सीडी. ये सीडी क्वालिटी है और बाकी वो नीचे वाली भी डीवीडी क्वालिटी होती है. सीडी क्वालिटी काफी बेहतर होती है. 44,100 आप इसे बढ़ा भी सकते हैं. एक्सक्लूसिव मोड ग्रुपिंग allow applications to take exclusive control of this device checkbox not checked. आप किसी भी एप्लीकेशन को exclusively इसे यूज करने दें, इसको checkbox check कर सक. मैंने नोट चेक कर रखा है, एक बार इसको नोट चेक ही रखें, नहीं तो क्या दूसरी एप्लीकेशन को ये परेशान करता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है इसमें. तो मैं इसको नोट चेक ही रखता हूँ. चेक करने के बाद कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है मे भी, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रयोग करें इसको. सिग्नल एनहांसमेंट्स ग्रुपिंग अलाउज एक्स्ट्रा सिग्नल प्रोसेसिंग बाय द ऑडियो डिवाइस. इनेबल ऑडियो एनहांसमेंट्स चेक बॉक्स नॉट चेक्ड. हाँ, इसे आप नॉट चेक्ड ही रखें. ए सिग्नल एनहांसमेंट को अगर आप इसे इसने आप आपने इसे चेक कर दिया तो आप अगर रीपर कोई भी या डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यह काम नहीं करेगा. फिर कई बार वो रिकॉर्ड नहीं करता, कई बार तो बहुत लेटेंसी आती, कितना ही बढ़िया साउंड कार्ड लगाओ आप, फिर तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती, इसलिए मैं इसको छेड़ता नहीं कभी ज्यादा. रिस्टोर डिफॉल्ट. ओके कैंसिल टैब कंट्रोल. बस इतने ही इसमें सेटिंग्स होते हैं. ये माइक्रोफोन और अपने इसकी दोनों की सेटिंग मैंने आपको बता दी. स्पीकर्स की क्या सेटिंग करनी है, माइक्रोफोन की क्या सेटिंग करनी है. आशा आपको मेरी बात समझ आई होगी. चलिए इजाज़त दीजिए, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे कोई और शानदार चीज़ के साथ. हम आज रीपर पे म्यूज़िक कंपोजिशन करेंगे तो उसका भी एक वीडियो भी अपलोड करेंगे. धीरे धीरे सीखेंगे किस तरह से क्या क्या करना है, एक एक पार्ट में हम कंपोजिशन करेंगे. तो चलिए बाकी रीपर पे एक दो वीडियो और बनाने हैं मुझे, फोल्डर से संबंधित इत्यादि, जनरल सेटिंग से संबंधित, तो वो वीडियो भी मैं कोशिश करता हूँ आज अपलोड करने की, ठीक है ना. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन और समय शुभ रहे. जय हिंद, जय भारत.